तो हेलो, हाउ आर यू दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। लेकिन ये वीडियो इंडिया से है भाई, ये इंडिया से ही वीडियो है। ये वीडियो देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, थोड़ी मायूसी नहीं ज़्यादा मायूसी हुई एटलीस्ट, कि इवन मैं दिल्ली में रहता हूँ तो काफ़ी कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती रहती है हमेशा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इन लोगों के अंदर कहते ना चीज़ है, कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं वो नफरत अभी भी भरी पड़ी है। बहरहाल ये वीडियो है रिजवान सर का। अजनबी लड़कों से बात ना करने दी जाए, ये हर मस्जिद में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी स्टूडेंट या किसी साथी के घर जॉइंट स्टडी करने के लिए भी अपनी लड़कियों को जाने की इजाजत ना दी जाए। कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। सवारी के लिए बाइक खरीद कर न दी जाए। स्मार्टफोन और सवारी के लिए बाइक खरीद करके न दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई के दरवाजे हैं। नंबर 6, मोबाइल स्मार्टफोन और बाइक यानी स्कूटी खरीद के अपनी लड़कियों को ना दी जाए, ये दोनों चीजें बेहयाई के यानी बेशर्मी के दरवाजे हैं। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए या ज़ेरॉक्स कराने के लिए, फोटोकॉपी कराने के लिए किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर जाने की इजाज़त ना दी जाए, यानी अपनी लड़की को किसी गैर मुस्लिम के यहाँ रिचार्ज कराने या दुकान फोटोकॉपी कराने टाइप कराने ना भेजा जाए। तो गैर मुस्लिम्स के जॉइंट चल रहे हैं, कैंटीन चल रही हैं, वहां पर आपकी मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए, अज़ान बताया गया था, जो काफिर मुशरिक है, काफिरा मुशरिक का औरत है, उससे मुसलमान औरत का पर्दा, उससे मुसलमान औरत का पर्दा, ये ना काफिरा मुशरिक का औरत यानी नॉन मुस्लिम औरत से भी मुसलमान औरत का पर्दा है, उसके साथ भी उसकी कंपनी बंद करी जाए, यानी मुस्लिम लड़की की कंपनी अपनी हिंदू दोस्त के साथ खत्म करी जाए, उससे भी पर्दा है। वो भी लेडी है, ये भी लेडी है, कोई हर्ज नहीं, इस्लाम ने सबके साथ मना किया कि जो काफिरा मुशरिका औरत है उससे मुसलमान औरत का पर्दा है, जैसे ना महरम मर्द से पर्दा लाजिम, जैसा मर्द से पर्दा है वैसे ही औरत से पर्दा है अगर वो काफिराना काफिर मुशरिक औरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, ये मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है, और ये भेजा किसने मुझे है ये मैं इसके के बाद बताऊंगा। ऐसे ही काफिरा मुशरिक औरत से मुसलमान औरत का पर्दा है। गैर मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए कि आइंदा ये दोस्ती भी किसी फितने का दरवाजा बन सकती है। गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती से भी रोका जाए क्योंकि आगे जाके ये मुसलमान फितना मीन्स म्यूटनी रिवोल्ट, कि इसके उसकी तरबियत सोबत में आके मुस्लिम लड़की कोई रिवोल्ट कर सकती है, कोई ऐसा काम कर सकती है जो मजहब के खिलाफ हो या रिवायत के खिलाफ हो। नंबर 8, बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। नंबर 9, अगर बच्चियां किसी तालीमी जरूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी पूरी निगरानी की जाए। बच्चियों की पूरी निगरानी की जाए इंटरनेट का जब वो इस्तेमाल कर रही हैं उस वक्त। फेसबुक इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाजत न दी जाए, इसलिए कि भटकने और गुमराही के दरवाजे इंटरनेट के जरिए खुलते हैं। फेसबुक इंस्टा इस सब की इजाजत ना दी जाए, गुमराही भटकना गुनाह के दरवाजे यहीं से होके गुजरते हैं। ये सारी हिदायत लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए। लड़का जहाँ जाए जाके मुंह मारे जो करे उससे कोई इशू नहीं है, लड़कियों के लिए सारी हिदायत है। आगे चलते हैं। नंबर 10, मुस्लिम लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों से हराम है, साथ रहना जिना और बदकारी का गुनाह है, फिल्मी अदाकारों को देखकर धोखा ना खाए, निकाह करने की सूरत में उसके बुरे अंजाम से आगाह किया जाए। नंबर 11, जब निकाह के काबिल होना है तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए,
जब निकाह के लायक हो जाएं, यानी अब 14 साल तो हम नहीं बोल सकते, 18, 19, 20 पर जैसे ही निकाह के लायक हों आप तुरंत उनकी कहीं ना कहीं निकाह कर दें। रुखसती भले बाद में करें पर कहीं पे लॉक कर दें कि वो इधर उधर किसी और आदमी को ना देखे। विदाई जज्बात कंट्रोल होंगे, जज्बात लड़की के, क्योंकि उसे पता है मेरी इसके घर में जाना है। बेटर होगा भाई हो, मामू का बेटा, चाचा का बेटा तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छी बात है। और दूसरा वीडियो ये जो चल रहा है उलमाए हिंद की तरफ से, जमीता उलमाए हिंद की तरफ से, ये दूसरी मस्जिद का अनाउंसमेंट है, ये सेम अनाउंसमेंट है लगभग। अब मैं ये वाला आपको सुना नहीं सुनाऊंगा, ये सेम अनाउंसमेंट है। अब साथियों आप ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये मुझे लड़की ने भेजा है, ये कश्मीर की लड़की है, होगी 20-21 साल की, और उसने मुझे भेजा है। ये वही लड़की है जो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि ये बहुत नाराज़ है और परेशान है वहाँ के रीतों रिवाज से, ये कहिए आप पाबंदियों से या किसी भी चीज़ से, और टैलेंटेड लड़की है, गाना वाना गाती है। सो इसने मुझे ये भेजा, तो पूछ रही है कि दिस शुड बी अनाउंस्ड इन ऑल मस्जिद, ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट दे आर अनाउंसिंग इन मस्जिद, रियली सर दैट्स हाउ वी आर गोना प्रोग्रेस, आई एम अशेम्ड टू बी बॉर्न इन दिस कम्युनिटी, Like, do we have to take permission to breathe now? ये मुस्लिम बच्ची है। और दूसरा ये जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये अनाउंसमेंट काफ़ी मस्जिदों में चल रहे हैं। तीन वीडियोस मेरे पास अलग अलग मस्जिदों के आए हैं। अहम चीज़ इसकी ये है कि ये अनाउंसमेंट, और ये वीडियो मैंने कल देखा डॉक्टर रिजवान सर के चैनल पे, कि साला हम एक सेकुलर कंट्री में हम रहते हैं, और सेकुलर कंट्री हम लोग कहते हैं, रहते नहीं हम कहते हैं सेकुलर कंट्री, लेकिन एक तबका ऐसा है मतलब ये चाहता है कि हमारी लड़कियां गैर मजहब में जाके शादियां ना करें, हमारी लड़कियों को मतलब कि नॉन मुस्लिम की शॉप से जाना मंजूर नहीं है, नॉन मुस्लिम से फ्रेंडशिप रखने की वो नहीं है लड़कियों को, सिर्फ ओनली गर्ल्स, नॉट इन बॉयज़ के लिए सब ठीक है, तुम सलाह जाके आशिकी करो, दूसरे धर्म की लड़कियाँ पटाओ, हैं इवन इनको तो भाई पैसे मिलते हैं, और हर तीन महीने में, जैसे इसमें बताया गया, हर तीन महीने में इनकी मस्जिदों में ऐलान होता है। कश्मीर की बात नहीं कर रहा भाई साहब, ये कलकत्ता में भी होता है, केरला में भी होता है, इवन बिहार तक में होती है चीज़, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो देखा, शायद एक को अरेस्ट करा गया था, शायद बिहार का ही था वो केस, उसने डायरेक्टली कहा कि अगर हम हिंदू लड़की को पटाते हैं तो शायद 50,000 मिलते हैं, शादी करते हैं तो 5,00,000 मिलते हैं, ऐसे ऐसा कुछ, और उनको कन्वर्ट करते हैं 10,00,000 मिलते हैं, और ये कौन बताता है, उनको मस्जिदों से मिलते हैं पैसे। इवन नॉट इवन कश्मीर स्टोरी, ऐसा दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, कलकत्ता में तो दब के चल रहा है भाई साहब, वहाँ तो ज़ोर ज़बरदस्ती से उठाया जा रहा है। कलकत्ता लाइक पाकिस्तान, वो तो भाई साहब जैसे पाकिस्तान बन चुका है, कलकत्ता पाकिस्तान बन चुका है, एक मिनी पाकिस्तान, कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम कुछ नहीं कर सकते, करोगे तो मरोगे। और धीरे धीरे वो हाल दिल्ली में भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ महान डेलीकेटेड चोर के भरोसे, द वन एंड ओनली केजरीवाल, चोर के भरोसे। आप लोगों के लिए खड़ा कौन होगा, जैसे वहाँ पे तुम लोग चिल्लाते थे आज़ादी आज़ादी, हमें इससे चाहिए आज़ादी, उससे चाहिए आज़ादी, तो भाई इस चीज़ से क्यों नहीं मांगते आज़ादी? मैं उन माओ से पूछना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी आपने पूरी ज़िंदगी जी है, कि अपनी बेटियों को भी वही ज़िंदगी देना चाहते हो आप? 20 साल में शादी, 21 साल में पहला बच्चा, 23 साल में दूसरा। और मैं उन लड़कियों से पूछना चाहता हूँ भाई, उन लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनना, या फिर लाइफ में कुछ करना है? जैसे एक वहाँ की लड़की बनी है, शायद IAS ऑफिसर बनी है, वैसा कुछ। एक लोअर मिडिल क्लास लड़की को इस चीज़ का, एक मिडिल क्लास लड़की को इस चीज़ का सपने देखने का यानी हक नहीं है, उसको अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ एक हिंदू फैमिली में हो तो भाई साहब, हर चॉइस ये उसकी चॉइस है,
लेकिन यहाँ इसकी चॉइस नहीं है। बड़े दोगले हो यार। देख तो मैं इस बात पे, इस द कश्मीर स्टोरी पे कितने लोगों का क्या बयान आता है। मोटा मोटी बात अब ये देख लो ना कि मुस्लिम लड़कियाँ किसी हिंदू के टच में नहीं रहेंगी, ना हिंदू लड़की के, ना लड़के के, ना दुकान पे जाएंगी। भाई एक चीज़ बता दो मुझे, ये मौलाना जो ये बयान दे रहे थे, अगर मान लो लड़की का कहीं एक्सीडेंट होता है, फिर तो वो हिंदू लड़के से मदद भी ना ले, हिंदू लोगों से, ना हिंदू डॉक्टर के पास जाए, ना हिंदू नर्स से टीका लगवाए, ना कुछ करवाए, फिर तो है ना, फिर लड़कों के ऊपर भी यही राज वो होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो भाई साहब यही बयान देंगे, वहाँ पे फतवे जारी करेंगे, जो लड़का हिंदू लड़की से को पटाएगा उसको 50,000 मिलेंगे, शादी करेगा 1,00,000 मिलेंगे, हैं बच्चा पैदा करेगा 5,00,000 मिलेंगे, काट के फेंक देगा उसको 50,00,000 मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, ये बंदे का खुद का बयान है उसका। उसको कौन कहता है जी? मौलवी जी कहते हैं, मस्जिदों में होती है चीज़ें। क्योंकि अगर इनकी लड़कियाँ अगर नॉन मुस्लिम में शादी करेंगी तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर ये वो काम नहीं कर पाएंगे। तुम हिंदू लड़कियों को पटाओ, फिर उनका धर्म चेंज करो, फिर उनको काटो मारो, उनके टुकड़े करो, लेकिन तुम्हारी मुस्लिम लड़कियाँ किसी हिंदू लड़के से शादी करके पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही बीवी रहे उसकी लाइफ में, और बच्चा पैदा करने की मशीन ना बने, फ्रीडम मिले उसको, वो नहीं चाहते तुम। तुम वही चाहते हो कि जैसे तुम्हारी बीवियों ने 50 बच्चे पैदा करे, वैसे तुम्हारी बेटे भी करें, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे नॉन मुस्लिम लड़की की शादी करें, उनसे 50 बच्चे पैदा। मैं उन लड़कियों को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें अगर ऐसे ही ज़िंदगी जीनी तो जियो, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तुम्हारे खिलाफ उठाएंगे और तुम्हारे ही लोग उठाएंगे, कुछ होंगे कि जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जितना कह रहा हूँ कि जितने मर्द और कुछ औरतें भी, आरफा खान शेरवानी जैसी औरतें, तो मैं उन कश्मीरियों से बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में जाके ज्ञान बांटते हैं, तो पहले अपने लोगों को ज्ञान बांटो, अपने भाई माँ बाप बाप को ज्ञान बांटो, अपनी मौलवियों को ज्ञान बांटो इस चीज़ का। मैं उन लड़कियों से बात करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में नहीं ना मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे एक्टिव है। अगर आप लोगों को ये करना है, इनके खिलाफ नहीं बोलना है, तो आप ना ये कहना छोड़ दो कि आप लोग आज़ाद, क्योंकि आप देश में तो आज़ाद हो लेकिन अपने ही घर में आप लोग कैद। आप ये कह सकते हो आप इंडियन सिटीज़न हो, आप ये नहीं कहते कि मैं फ्रीडम इंडियन सिटीज़न हूँ। दूसरे को देख के, दूसरी लड़की को आप देख के कह सकती हो, इट्स हर चॉइस, लेकिन आप वो ना करके आप ये नहीं कह सकते इट्स माई चॉइस, क्योंकि आप किसी और की चॉइस पे चल रहे। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।